नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट कैसे देख सकते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, टीवी में तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे आप इंटरनेट पे कैसे देख सकते हैं, वो भी आसान तरीके से, बिल्कुल सही और लाइव रिजल्ट, यानी कि जो इस समय चल रहा है एट अ प्रेजेंट टाइम, आप उस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, दोस्तों आपको नंबर वन वेबसाइट rozgarrizult.com खोलना है दोस्तों, या तो दूसरी नंबर वन वेबसाइट sarkaririzult.com। जी हाँ दोस्तों, .com जरूर लगाइएगा, नहीं तो आप नकली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे चेक कीजिए आपने .com वाली वेबसाइट खोली है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई नकली वेबसाइट खोले हुए हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसको sarkaririzult.com खोलिए या तो rozgarrizult.com खोलिए। उसमें आप जब रिजल्ट सेक्शन में आएंगे, देखिए आपको सबसे ऊपर मिलेगा लोकसभा इलेक्शन लाइव रिजल्ट 2019। दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, देखिए वाला पेज ओपन हो गया। उसमें देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि 23 तारीख को सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी, 23 मई शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। टोटल 7 फेज में इलेक्शन हुआ, तो उन 7 फेज का रिजल्ट है। कुल 542 सीटें हैं हमारे इंडिया में। हर सीटों में कितनी है, जैसे यूपी में 80 है, उत्तराखंड में 5 है, बिहार में 40 है, दिल्ली में 7 है। इसी तरह दोस्तों, कुल मिला के टोटल जो सीटें हैं वो है 542। तो दोस्तों, हम अपना इलेक्शन का रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, sarkaririzult.com पे टोटल 542 सीटें हैं, आज रिजल्ट जारी हो रहा है। आप कैसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ये देखिए इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। आपको करना क्या है, चेक पार्टी वाइज रिजल्ट अगर आपको देखना है, या स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है, तो यहाँ क्लिक कीजिए। जिस टाइप कुछ ना समय जो ऑफिशियल वेबसाइट भी है, चलिए हम पार्टी वाइज क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए पार्टी वाइज आ गया। अब देखिए, हमको जैसे यूपी का चेक करना है, तो हम इस पर कर्सर पे सेलेक्ट करके यू दबाएंगे, उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश में हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आ गया अपना दल 1 सीट, अपना दल सोनेलाल 1 सीट, बहुजन समाज पार्टी 12, भारतीय जनता पार्टी 57, कांग्रेस 1, समाजवादी पार्टी 8। दोस्तों, ये लीडिंग है इस समय, टोटल ये टोटल है 80% का रिजल्ट है ये आपको। चलिए आइए हम बिहार भी चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिहार का रिजल्ट आ गया 40 सीटों का, ये इसमें लीडिंग भी चल रहा है दोस्तों। देखिए अभी क्लियर नहीं हुआ, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लीडिंग है अभी, मतलब बढ़त चल रही है, कोई भी अभी गड़बड़ सकता है। वॉन यहाँ होता है, ये फाइनल हो जाएगा, जब यहाँ लिख के आ जाएगा तो समझिएगा फाइनल है। अभी फाइनल कुछ भी नहीं है, अभी केवल लीडिंग चल रहा है, कौन आगे बढ़त चल रहा है। इसका मतलब अभी भारतीय जनता पार्टी 16 पे बढ़त बनाए हुए है, जनता दल यूनाइटेड ये भी 16 पे बढ़त बढ़ाए हुए है। अब इसमें से कौन जीतेगा ये भी बाद में पता लगेगा। चलिए आइए, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली को ढूंढना पड़ेगा। ये एनसीटी ऑफ दिल्ली, देखिए दोस्तों दिल्ली पे गए। आप समझ लीजिए सारे न्यूज चैनल, सारी मीडिया सब इसी पे ही दिखाती है, तो आप भी इसी पे देखिए, लाइव रिजल्ट रहता है बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की खुद की वेबसाइट है। तो दोस्तों, इस पे जितना आपको अपडेट मिलेगा, किसी वेबसाइट पे अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों देख सकते हैं, सर्वर बहुत स्लो चल रहा है। चलिए दोस्तों, अब आपको कैंडिडेट वाइज बताते हैं। तो कैंडिडेट वाइज पे आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब जैसे हमको दिल्ली का देखना, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें देखिए आ गया कंसिस्टेंसी नेम, आपको किस कंसिस्टेंसी का चेक करना है, जैसे चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली। चलिए ईस्ट दिल्ली हम चेक करते हैं। ईस्ट दिल्ली में देखिए, ये टोटल जितने कैंडिडेट वहाँ खड़े हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट है, यानी टोटल आप देख सकते हैं 1 नंबर से लेकर 27 कैंडिडेट वहाँ खड़े हुए हैं। 27 कैंडिडेट में कौन कितना वोट पाया हुआ है ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके देखिए, जैसे ये अरविंदर सिंह लवली, ये 18,389 वोट पाए हैं। एक है आतिशी, एक इससे है आम आदमी पार्टी से है, ये देखिए 13,057। गौतम गंभीर, ये किससे है, बीजेपी से, 45,977। इस हिसाब से इसमें सीट वाइज दिया हुआ है, बाकी लोग कितना कितना वोट पाए सब कटे हैं, ये इसमें आपको वोट वाइज पता चल सकता है। लेकिन ये भी देखिए अभी लीडिंग है, अभी फाइनल नहीं है, जब फाइनल हो जाएगा तो और लिख के आएगा। अभी ये टोटल वोट लीडिंग के हिसाब से चल रहा है। चलिए आइए हम लोग बिहार चलते हैं, बिहार में बेगूसराय चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों बेगूसराय, बेगूसराय बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी। यहाँ आपको पता होगा गिरिराज का मुकाबला कन्हैया कुमार से था। चलिए ये देखते हैं कि ये देखिए गिरिराज सिंह 1,43,796 वोट है और कन्हैया कुमार देखिए 66,770 है। इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं जिसको वोट ज़्यादा मिला है वही जीतेगा, लेकिन ये अभी लीडिंग रिजल्ट है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट पर, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए। देखिए नरेंद्र मोदी 1,23,123, ऊपर से अजय राय है कांग्रेस से, उसके बाद शालिनी यादव है समाजवादी पार्टी और BSP के गठबंधन से खड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, चलिए अब आइए हम लोग कहाँ चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं अमेठी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, सभी जानते हैं राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का कड़ा मुकाबला है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों टक्कर बराबर की चल रही है, 15,994 वोट राहुल गांधी पाए हैं और स्मृति ईरानी 17,373। दोस्तों ये लीडिंग रिजल्ट है, अभी फाइनल नहीं है, कोई भी गड़बड़ सकता है। अभी इस समय स्मृति ईरानी बढ़त बनाए हुए हैं, इस तरह बाकी जितने लोग खड़े हैं सबका दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और आप चेक करना चाहिए। तो आइए प्रेसिडेंसी वाइज चेक करते हैं। ये देखिए इसमें भी दिया हुआ है सारा डिटेल, इसको आप देख सकते हैं। आगरा, अकबरपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, इस समय कौन लीडिंग कर रहा है, लीडिंग में आपको पता चल जाएगा सबसे आगे कौन है और सेकंड नंबर पर ट्रेडिंग कौन है। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस समय इलाहाबाद में कौन आगे बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए जैसे अमेठी में स्मृति ईरानी बढ़त बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, किसको सेकंड नंबर पर है जो उनको टक्कर दे रहे हैं वो है राहुल गांधी, ये कांग्रेस से है। तो देखिए रिजल्ट इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी गिनती चल रही है। ठीक है दोस्तों, इस समय के कैंडिडेट कौन जीता हुआ है वहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है राहुल गांधी इस समय है वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट। ये 2014 का है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है 2014 का है, ये लेटेस्ट है 2019। तो उम्मीद है आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई होगी, बिल्कुल लाइव वीडियो हमने आपको दिखाई, इस तरह अपना लाइव रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नई नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमेशा नंबर 1 वेबसाइट sarkarrezult.com और rozgarrezult.com खोलिएगा और अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे चेक कीजिएगा, कहीं आप कोई नकली वेबसाइट तो नहीं खोले। थैंक यू दोस्तों।